खबर छपरा से, जहां शुक्रवार को लोजपा नेता एवं पूर्व मुखिया ललन मांझी ने भाजपा एवं लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दलित हितैषी नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह एवं गंगा समग्र अभियान के प्रदेश संयोजक अजय यादव की उपस्थिति में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी त्रिभुवन तिवारी के मसरक यदु मोड़ स्थित आवासीय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह ने सभी का फूलमाला एवं वस्त्र से सम्मानित किया। इस अवसर पर भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी त्रिभुवन तिवारी, मसरक दक्षिणी मंडल भाजपा के अध्यक्ष जमादार यादव, भाजपा नेता गौतम ओझा, श्याम बिहारी सिंह, भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष विवेक नाथ तिवारी, किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष विक्रमा सिंह, महेश्वर सिंह, पप्पू सिंह सिग्रीवाल, हरेश्वर सिंह, दुर्गेश गुप्ता, प्रमोद सिंह, पप्पू सिंह, राधेश शर्मा, रणधीर तिवारी, दिवाकर तिवारी, कृष्णा राम, मनोज राम, पप्पू यादव, सुरेंद्र नट सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। मिलन सह सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह ने कहा कि आज पीएम की 294 करोड़ रुपए की मिली सौगात पढ़ते बिहार के लिए मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के को इसके लिए बिहार वासियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद। जी, दलितों शोषितों के महाराजगंज के पुराने हमारे नेता हैं, पुराने हमारे साथी हैं। ये भारतीय जब पूर्व से ये लोजपा में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से प्रभावित होकर के, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर के, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर के, प्रदेश नेतृत्व से प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर के और हम लोगों के मसरक में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी मंडल यहाँ इनका ढंग से स्वागत करती है और प्रदेश और आप सबों को मैं जानकारी दे रहा हूँ कि ये जैसे ही इनका इस भारतीय जनता पार्टी में आगमन होने का प्रस्ताव दिया गया, प्रदेश कार्यालय ने इन्हें प्रदेश कार्य समिति में भी रखने का प्रस्ताव भेज दिया है। मैं पूरा भारतीय जनता पार्टी, मसरक का पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार ललन जी का हार्दिक स्वागत करता है।